अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली असनैन सरगाना एडवोकेट। मैं एक मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूं जस्ट वन टीवी के रेफरेंस से। मैं बहुत मशहूर हूं कि आपने मेरे मैसेज को लिया। सबसे पहले सिंध में जुमा नमाज के हवाले से और मसाजिद में इत्तमा के हवाले से मुकम्मल पाबंदी आयद की गई, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली कुछ नाकबत अंदेश लोगों ने मसाजिद में इनकाद किए इत्तमात के और जुमा नमाज भी करवाई और रियासती इदारों की रिट को भी चैलेंज किया। तो ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट बात है, जबकि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक मौजूद हैं इस पर और इस पर मौला अली अलैहिस्सलाम के कौल भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी लोग, जब अल्लाह ताला ने अल्लाह के दीन में एक रास्ता दिया गया है, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये चीज़ इस वायरस को, इस वबा को फैलाने में बहुत मदद करेगी। जब खाना काबा में तवाफ काबा बंद हो गया, इतमाद वहाँ पे बंद हो गए, तो यहाँ पर जब एक फतवा भी आ चुका है मसाजिद का, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग मजहबी रंग देकर, मजहबी मुनाफरत और इंतहा पसंदी का सबूत देते हुए मसाजिद में गैदरिंग्स कर रहे हैं और मजहबी रंग लेके और लोगों की जो एहसासात और जज्बात हैं मजहबी, उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, कि जो कि इंतहाई एक शर्मनाक और इंतहाई घटिया अमल है कि जब अल्लाह ताला ने रास्ता दिया है उसके बावजूद लोगों को इस तरह से मुश्तैल करना इंतहाई शर्मिंदगी वाली बात है। तो आप लोगों से ये अपील है कि आप घर पर रहें, और ये जो घटिया अमल है कि जब अल्लाह ताला ने रास्ता दिया है उसके बावजूद लोगों को इस तरह से मुश्तैल करना इंतहाई शर्मिंदगी वाली बात है। तो आप लोगों से ये अपील है कि आप घर पर रहें, और ये जो हुकूमती अहकाम हैं इन पर अमल दरामद कीजिए। बहुत शुक्रिया।